in the name of allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. hope you are well. a textbook of english for class 8. tulip series book 8. topic: porus and his elephant. That's poem. So. this poem written by मैरी डोब्सन, पोरस एंड हिज़ एलिफेंट पोरस एक शख्स था वो और उसका हाथी तो प्यारे बच्चों इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे तो ये जो पोएम है ये जो नज़म है तो इसको इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी तो चलो पोएम फोरस एंड हिज एलिफेंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं अस रीड चलो अब हम पढ़ते हैं दिस बैलेट गिव्स एन अकाउंट ऑफ एन एलिफेंट देट सेव लाइफ ऑफ इट्स वर्ट मॉस्टर ऑन द बैटल फील्ड

एन अकाउंट ऑफ एन एलिफेंट इस तसनीफ लोक कहानी में एक ऐसे हाथी का बयान है जिसने मैदान जंग में जख्मी अपने मालिक की जान बचाई दैट सेविट द लाइफ ऑफ इट इज़ वंड मास्टर ऑन द बैटल फील्ड जिसने मैदान जंग में जख्मी अपने मालिक की जान बचाई यानी किसकी कहानी है ये लोग कहानी एक ऐसे हाथी की है जिसने मैदान जंग में अपने मालिक की जान बचाई द एलिफेंट फेसिस डेथ इन आर्डर टू सेव लाइफ ऑफ पोरस हाथी पोरस की जान बचाने के लिए मौत का सामना करता है यानी कि हाथी यहाँ पे एक वफादारी का सबूत देते हुए अपनी जान गवा देता है अपनी मालिक की खातर यानी कि अपनी जान को वो ख़तरे में डाल देता है इट इज शोज़ एग्जाम्पलरी लॉयल्टी एंड करेज वो सबक आमोज कसम की वफ़ादारी और हिम्मत का मुजाहरा करता है वो एक सबक आमोज यानी कि एक नसीहत के तौर और वफ़ादारी और हिम्मत का मुजाह करता है इट शोज़ एग्जांपलरी लॉयल्टी एंड करेज तो उसके बाद एनिमल लाइक द एलिफेंट कैन एक्सप्रेस दियर इमोशनज़ बाई कैरिंग और गास्पिंग जस्ट एज ह्यूमनज़ डू बाई एक्सप्रेसिंग दैम इन इन जानवर जैसे कि हाथी अपने जज्बात को चिल्लाकर और हाँप कर ज़ाहिर करता है जैसे कि आदमी अपने जज्बात को अल्फाज में ज़ाहिर करता है जैसे कि जब कोई इंसान इंसान को अल्लाह ने ज़बान दी है तो इंसान जो भी इंसान के अंदर है कुछ मुश्किल है कुछ भी है तो हर एक इंसान उसको एक्सप्रेस कर सकता है उसको ज़ाहिर कर सकता है लेकिन जानवरों के अंदर ज़बान तो नहीं है मगर जो जो हाथी है वो हाँपते हुए यानी कि वो एक हाँपने की आवाज़ में अपने जज्बात को ज़ाहिर करता है तो चलिए बच्चे हम आगे अब पढ़ने जा रहे हैं हियर या टेल ऑफ द डेज गॉन बाय डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड सकेंट दिस इज ए टेल दैट कैन नेवर डाई टोल्ड ऑफ ए किंग एंड एलिफेंट हियर यह ए टेल ऑफ द डे इज गॉन बाय सुनो तुम एक कहानी उन दिलों की जो अब गए हैं बीत सुनो एक कहानी उन दिलों की जो अब गए हैं बीत डेज हुज रिकॉर्डिंग इज शॉर्ट एंड स्केंट वो दिन जिनका रिकॉर्ड है मुख्तर और बहुत कम दिस इज टेल दैट कैन नेवर डाई ये कहानी है ऐसी जो कभी नहीं मिट सकती यानी ये वो ऐसी कहानी है जो मिटने वाली नहीं है जो कभी नहीं मिट सकती टोल्ड ऑफ ए किंग एंड हिज एलिफेंट बताई गई है जो एक राजा और इसके हाथी के बारे में यही जो मुसनफ़ है जो लिखने वाला है वो लिखता है कि ये एक ऐसी कहानी है कि ये कभी बिटने वाली नहीं है एक तो बड़ी ये मुख्तसर सी है और ये दिलों को क्या करने वाली है यानी कि यह दिलों को हैरान करने वाली है एक तो मुख्तसर सी है और जो कभी मिट नहीं सकती तो किसके बारे में है जो एक राजा और उसके हाथी के बारे में यानी पोरस पोरस हो गया राजा और उसका हाथी आउट ऑन द्लान वाइफ डिवाटर इज गो आउट ऑन द देंक्स दहलम वाइट पोर्स द किंग वेंट टू मीट हिज फो पोर्स द किंग इन हिज बैटल प्राइड आउट ऑन द द्लान वाई दाटर्ज गो वो मैदान जहाँ है बहती नदी की दहार वो मैदान शहबाज जहाँ है बहती नदी की दहार आउट ऑन द बैंक ऑफ द जहलम वाइड वसी जहलम के किनारों पर आउट ऑफ द बैंक ऑफ द जहलम वाइड वसी जहलम के किनारों पर पोरस द किंग वेंट टू मीट हिज फो राजा पोरस गया था करने अपने दुश्मन से मुलाकात यानी कि जो राजा पोरस था वो अपने दुश्मन के साथ मुलाकात करने गया था पोरस द किंग इन हिज बैटल प्राइड राजा पोरस था अपने जंग के गरूर में किस में था यानि कि अगर अगरचे वो अपने दुश्मन से मुलाकात करने गया लेकिन राजा पोरस था किस में वो जंग के जुनून में था जंग के में था पोरस द किंग इन बैटल प्राइड राजा पोरस किस में था जंग के गुरूर में था ड्राउन ऑफ हिज एलिफेंट्स इन अरे स्टैंडिंग इन स्टेट इन अनब्रोकन रैंक वायल एलेक्जेंडर द ग्रेट फॉर फ्रे लेड ऑफ हिज ट्रोपस ऑन दर बैंक ड्राउन ऑफ हिज एलिफेंट इन अरे अपने हाथियों को कर दिया खड़ा कतार में अपने हाथियों को कतार में खड़ा कर दिया स्टैंडिंग इन स्टेट इन अनब्रोकन रैंक शाही ढंग से जो खड़े एक अटूट दर्ज़ाबंदी में एक अटूट दर्ज़ाबंदी में यानी कि वो एक ढंग से दर्ज़ाबंदी करके वो खड़े हो गए वायल एलेक्जेंडर द्रेट फार फे जबकि सिकंदर आजम ने जंग के लिए क्यादत की जबकि राजा ने किसके लिए जंग के लिए कयादित की लड ऑफ हिस्ट्रोप ऑन दैंक अपनी फौज की दूसरे किनारे पर अपनी फौज की दूसरे किनारे पर फियास, रैगिट The fight, it was hard to tell what would betide, and they fought the more. Till from his elephant sudden fell Porus the king, who was wounded, sore. Fierce regarded the fight, it was hard to tell. मुश्किल था ये कहना यानी कि जो लड़ाई चली ये बहुत ही खौफनाक थी कि कहना मुश्किल था वट वुड बिटाइड एंड डिफॉर्ट डी मोर कि अब क्या होगा और वो लड़े और खूब लड़े अब पता नहीं आगे क्या होगा अब वो लड़े लेकिन खूब लड़े टिल फ्राम हिज एलिफेंट सड फेल, जब तक कि राजा पोरुस नहीं गया अचानक जब तक कि राजा पोरुस नहीं गया अचानक टिल फ्राम हिज एलिफेंट सड फेल, अपने हाथी से गिर जबकि जो राजा था वो अचानक अपने हाथी से गिर गया पोरुष वाज वंडर्ड सोर, जो हो गया था जख्मी बहुत यानि कि इतनी खौफनाक जंग छिड़ी इतनी तेज़ जंग छिड़ी जिसका कहना बहुत मुश्किल था तो अब लड़ाई खूब लड़ने लगी राजा पोरस अचानक अपने हाथी से गिरा और वो जख्मी हो गया और वो बहुत जख्मी हो गया तो प्यारे बच्चों हमने आज आज हमारा बस सबक यहीं तक है तो कल बाकी ये पोम हम पढ़ेंगे ठीक है तो ये जो बाकी इस नज़म की जो बाकी अशार हैं लास्ट वाले ये हम कल पढ़ेंगे तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि एक शख्स था यानी एक राजा और उसका एलिफेंट तो यहाँ जो इस पोम का जो सेंट्रल आइडिया है जो इसका मफहम है तो वो हमें लगता है कि एक जानवर की वफ़ादारी कि एक जानवर के अंदर कितनी वफ़ादारी है तो प्यारे बच्चों इसके बारे में हम इन और भी अगली क्लास में जानेंगे जब तक के लिए अपने घरों पर बने रहें और अपना जो ये काम है जो लेसन है ये अच्छी तरह से पढ़िए अपनी किताब खोलिएगा पेज नंबर यहाँ पे दिख रहा है फिफ्टी टू है तो अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसके साथ साथ अपने घरों पर ही बने रहें और अपना काम करते रहिए तो जब तक के लिए